बड़ा थैंक्स जितेंद्र रावत सर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने रात दिन बड़ी मेहनत की है लोगों को समझाने के लिए। वो खुद रात और दिन अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, लोगों को समझाते हैं। इस वजह से शायद आज नतीजे सिर्फ 34 पर मुमरा पे आके हुए अटके हैं। उनको बहुत बड़ा थैंक्स है, उनको और उनकी मिसेज को मैं उनका बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है उनके ऊपर। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति इस वक्त गंभीर चल रही थी और महाराष्ट्र सरकार की जो कोशिशें हैं उद्धव ठाकरे सरकार की वो काबिले तारीफ है। इसमें महाराष्ट्र पुलिस की भी जो भूमिका रही है बहुत बेहतरीन रही है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुमरा कौसा शहर में इस वक्त जो 34 पर केसेस आकर रुके हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है। अपील है लोगों से कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। कई लोग लॉकडाउन के लिए यहाँ पर आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, एक सियासी जमात है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो कि यूपी के है और उसकी जो महाराष्ट्र की रिप्रेजेंटेटिव है वुमेन विंग की वो हमारे साथ हैं। उसकी खातून विंग की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फातिमा तारवाला वो कुछ अपील करना चाहती हैं मुमरा की आवाम से। तो मैडम क्या कहेंगे आप इस पड़ताल? मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, राष्ट्र उलमा काउंसिल महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट फातिमा तारवाला और सब लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो लॉकडाउन किया गया है वजह से अगर हम चलेंगे अच्छी तरीके से तो हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और जितने जिनने हमें बताया है कि थर्ड मई तक, तो इंशाल्लाह हम अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा ये लॉकडाउन यहाँ पे ख़त्म होकर बहुत अच्छी तरीके से महाराष्ट्र का बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आ रहा है अब तक। और मैं चाहती हूँ कि अगर रमज़ान का महीना भी चल रहा है तो हमें उस इबादत के महीने में सबके लिए दुआ करनी चाहिए और इंशाल्लाह ये थर्ड मई को हमारा लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए मुझे आप सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लॉकडाउन को फॉलो कीजिए और उसको उसके ऊपर आप चलिए। मैडम जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो पार्टी है ये मुमरा के लोगों के लिए खास तौर से नया नाम है, तो कुछ शॉर्टली आप एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? ये एक्चुअली ये यूपी की पार्टी है, अभी अभी यहाँ पे लॉन्च हुई है महाराष्ट्र में। मैं और मेरे सीनियर जो आसिफ कुरैशी जी हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे हम इन पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सीएम के ऑफिस में भी हम गए थे, हम जेआर पाटिल कॉलेज में भी जाकर आए हैं, उनके दिन से बात करके आए हैं एडमिशन के बारे में। बहुत से मसलों पर इन पर काम होता है और अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो मुमरा कौसा में भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की पार्टी ने अनाज भी दिया था और सैनिटाइजर वगैरह बांटा था और इंशाल्लाह हम आगे भी इसके ऊपर बहुत काम करेंगे। बस आपके सपोर्ट की और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो पार्टी है इसका एथिक्स क्या है, यानी कि इसके जो मकसद खास मकसद किस किस चीज़ पे स्कोप है? सबसे ज़्यादा तो एथिक ये है कि मैं अपना बताऊँ तो मुझे एक वुमेन एजुकेशन बेस पे काम करना है। मैं बहुत सी मुस्लिम लड़कियाँ औरतें ऐसी हैं जो शादियाँ हो जाती है छोटी उम्र में और अपना एजुकेशन कम्प्लीट नहीं कर पाती है, तो मेरा सबसे बड़ा फोकस उसी उसके ऊपर है कि मैं एजुकेशन बात करके और मैं उनके लिए कोई एजुकेशन कॉलेज या स्कूल स्टार्ट करवाऊँ ताकि बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं वो अपना एजुकेशन ले सके। और एक मुस्लिम लड़की भी, जैसे सबको एक मान ये है कि मुस्लिम लड़कियां नहीं पढ़ती, तो मैं ये मानना बनाना चाहती हूँ कि नहीं, मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ सकती है और शादी के बाद में भी वो कर सकती है, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। तो मेरा फोकस एजुकेशन पे है और स्पोर्ट्स पे है। मैडम एंड में जिस तरह से देख रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है मुमरा में, अभी जो रिपोर्ट्स आई है कि 34 पे केसेस अटक गए हैं, 34 पे केसेस अटके हैं और ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि कई बिल्डिंगें सील थी मुमरा में और कुछ बिल्डिंगों को खोल भी दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन को लोग हल्के में ले रहे हैं। बहुत से लोग बड़े आराम से निकल रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ जमा रहे हैं और ये बात भी है कि लोगों को ज़रूरत भी है क्योंकि किल्लत है खाने पीने की चीज़ों की। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहा जा रहा है वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि ये तो कहा जाता है कि इस्लाम में भी इस चीज़ की, यानी कि ये चीज़ सेंसिंग की जाए। तो जो लोग खासतौर से औरतें, आप भी एक खातून हैं, आप भी एक महिला है, तो औरतों से क्या अपील करेंगे क्योंकि औरतों को बाजार में निकलने की बहुत जल्दी होती है, क्या कहेंगे अपनी बहनों से कि किस तरह से करें लॉकडाउन? मैं तो सबसे यही कहूँगी कि औरतों और बच्चों को तो बाहर निकलने की फिलहाल ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम खुद इतना अंडरस्टैंडिंग रखें और घर से एक ही आदमी जाए जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, और इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्स जितेंद्र रावत सर को दूंगी क्योंकि उन्होंने रात दिन बड़ी मेहनत की है लोगों को समझाने के लिए। वो खुद रात और दिन अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, लोगों को समझाते हैं,
इस वजह से शायद आज नतीजे सिर्फ 34 पर मुमरा पे आके हुए अटके हैं। उनको बहुत बड़ा थैंक्स है उनको और उनके मिसेस को। मैं उनका बड़ा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है उनके ऊपर, और पुलिस का भी बहुत बड़ा हमारे साथ में ये रहा है कि बहुत उन्होंने अच्छे से काम आए हैं। और जो वोकर को बहुत सी लाठीचार्ज वगैरह हुई है, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर अननेसेसरी नहीं है तो आप मत निकलिए, और घर में तो एक आदमी तो होगा ही, तो मेरी जहाँ तक आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ आपके घर का जो आदमी हो वही निकले, अगर कोई आदमी नहीं है घर में तो ही आप निकलिए, और एक सोशल डिस्टेंस तो बनाकर रखिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। आप भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।